अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह से आज था 27वां रोज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह से कल है जुम्मा और 28वां रोज़ा है। सऊदी अरेबिया में अभी कंफर्म नहीं है कि ईद संडे की है या मंडे की है, 30 रोजे होते हैं या 29 रोजे होते हैं, तो कोई आइडिया नहीं है। दो साल से 29 ही हो रहे हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया में लोग रमज़ान में घर में चेंजिंग करते हैं, कोई नई चीज़ लेनी होती है, क्योंकि इसको बरकत वाला महीना बोलते हैं, तो इस वजह से उधर चले जाना, तो इस वजह से हमारी एक कोशिश होती है कि हम लोग रमज़ान में कोई नई चीज़ लें या घर में कोई फर्नीचर वगैरह चेंज करें, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं आया था जी गाड़ी के टायर चेंज करवाने, अल्हम्दुलिल्लाह से टायर जो हैं वो हम शो पर पहुंच गए हैं, और अभी देखते हैं कि यहाँ से टायर हमें कौन से समझ में आते हैं और कितने में आते हैं, तो जो भी इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह आप सबको भी दिखाते हैं। तो जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने टायर की सिलेक्शन कर लिया है। इस वक्त हम हैं डनलूप के शोरूम में, और अब हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रहा बिलाल जो कि छुप रहा है हमसे, और ये रहा हीरो। तो जी इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से जी फाइनली थोड़ा सा बिजी हो गए थे सिलेक्शन के चक्करों में, जिसकी वजह से अपडेट उस टाइम नहीं कर सका। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह टायर डल गए हैं, और टायर कौन से डलवाए हैं ये मुझे आप लोगों के साथ अरसलान भट्ट साहब शेयर करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा बताओ ना। टायर तो मैंने ही डलवाया, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये टायर जो है ना, मैंने तकरीबन अपनी कार के 3 हफ्ते पहले डलवाए थे अपने दोस्त के साथ आके। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा रेट मिला था, 1.2 किलो के ऊपर डनलॉप के जापान के टायर थे। अच्छा, और फ्रेंचाइज से डलवाए, और काफी अच्छा मुझे रेट मिला। मैंने व्हाट्सएप को कहा था कि व्हाट्सएप आप भी डलवा लो, कोरियन डलवाने का कोई फायदा नहीं है, उतने में ही आपको कोरियन मिलेंगे, उतने में ही आपको जापानी मिलेंगे, तो आप जापानी डलवाओ। तो हमको डनलॉप की फ्रेंचाइज पे आए हैं, वहीं से हमने डलवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह में बल्कि 10 रियाल का डिस्काउंट जो कि मुझे नहीं मिला। नहीं, असल सीन कुछ इस तरह का था कि भट्ट साहब ने कुछ 3 हफ्ते पहले शायद डलवाए थे, इन्होंने मुझे बोला था कि 750 में डाल रहे हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं डलवा लूंगा, लेकिन मतलब 3 हफ्ते के बाद हम जा रहे हैं, तो वो ना हो कि अब रेट ज्यादा हो गए हो, तो जितने 750 के ऊपर डलेंगे जितने भी होंगे वो अरसलान भट्ट साहब देंगे। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो 750 रियाल में अल्हम्दुलिल्लाह से भट्ट साहब ने बड़ी एफर्ट की है। वो 760 बोल रहा था, लेकिन उसने 750 में हमें फाइनल कर दिए, और टाइल डाल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ड्रेस तो अरसलान साहब आपने बताया ही होगा किस जगह से। यार ये 1.2 किलो के ऊपर जो है बड़ी पुरानी टायरों की मार्केट है। 1.2 किलो जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि जद्दा में मार्केट है, जद्दा के अंदर। और यहाँ पे आपको होलसेल रेट पे और रिटेल रेट पे अच्छे रेट पे टायर मिल जाते हैं हर किस्म की। हमने डनलॉप के डलवाए, जापान के टायर डलवाए जो की अच्छे रेट पे हमें मिल गए, 15 इंच का टायर, जबरदस्त हो गया। तो भट्ट साहब अब हम कहाँ जा रहे हैं सब? अब हमारा मूड है कुछ खाने का, हम क्या डिसाइड करते हैं वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। नहीं, अगले मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो चलते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खाने के लिए। और मैं बताना भूल गया कि हमारे साथ जो आए हैं अरसलान भट्ट साहब, मैं, अयान और एक और बंदा है पीछे छुप के बैठा है वो लाल कोने में। तो जी हम चारों आए, नहीं आया आज का जगह, वो बिजी है, अभी हम उससे भी मिलेंगे जाके। तो फिलहाल अभी चलते हैं और पहले कुछ खाते हैं, और फिर इंशाल्लाह आगे की अपडेट आपको करते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से चले और कहाँ आगे बढ़ सकते।
नसीब की बात है। जी, हम लोगों का प्लान बना था शर्फिया जाने का, लेकिन शर्फिया में बहुत रश था वहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्लान जो सडन चेंज किया। और अभी हम इस वक्त हैं बनी मालिक में और हम लोगों ने खाया है यहाँ से बर्गर, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो भट्ट साहब से पूछते हैं, हाँ जी भट्ट साहब कैसा टेस्ट लगा? यार मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम खाया, मैंने अजीजिया में एक शॉप थी वहाँ पे पहले मिलते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी नहीं मिल रहे, लेकिन अब मैं काफी देर के बाद यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। यानी आप पाकिस्तान के करीब करीब आपको टेस्ट, मतलब टच मिल रहा है, टच मिलेगा। और पकौड़ियाँ कैसी थी? दही भले बहुत स्पाइसी और बहुत टेस्टी थे, जिनको स्पाइसी खाने की आदत है दही भले वो यहाँ पे आके खा सकते हैं। चेक करें या आगे विजिट करें, बहुत मजे की। हाँ जी बच्चों आपका क्या कहना है, बर्गर अच्छा था या के दही भले अच्छे थे? पाकिस्तान में भी खाया ना आप लोगों ने अपना बर्गर वगैरह, वहाँ का ज्यादा मजेदार था या ये मजेदार था? सिमिलर था, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं था। चलो अच्छा, और पकौड़ियाँ दही पल्ले कैसे लगे? दही पल्ले हमने फर्स्ट टाइम ट्राई। अच्छा, ये दही पल्ले पकौड़ियाँ तो घर खाते ही हैं, लेकिन ये दही पल्ले थे दूसरे नहीं पल्ला, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आइटम थी, बाकी सब तो सेम ही था पकौड़ियाँ वाला। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी क्या टाइम है भट्ट साहब? डेढ़ बज गया, डेढ़ बज रहा है, हम चलते हैं घर को। डेढ़ बज रहा है जी, अब हम जो है ना बिस्तरा ढूंढ रहे हैं बेसिकली, अब बस जो खाना था हमने खा लिया, अब हम सोएंगे जाके। ये बात है, मैं एक दफा बता दूं कि ये होटल का नाम क्या था। हाँ बिल्कुल जी, होटल का नाम था, बताओ जी जरा क्या नाम था, इसमें नहीं आ रहा, पंजाब होटल। ठीक है, बनी मालिक में ये है, जद्दा में बनी मालिक के अंदर ये रेस्टोरेंट है, बेसिकली ये स्वीट शॉप है यहाँ पर, हलवियात। हाँ जी, हलवियात के नाम से यहाँ पर काफी अपना स्वीट से रिलेटेड, गुलाब जामुन मीठा जितना भी होता है ना वो सब कुछ यहाँ पर है। और उसके साथ ये जो हमने आइटम्स खाई हैं आप लोगों को दिखाई भी हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो अभी चलते हैं भट्ट साहब घर, और चल के क्या करना है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ से चलते हैं फिलहाल। ठीक है, चल के सोना ही है, मुझे लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, तो चलते हैं जी घर और इंशाल्लाह देखते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम जो है इस वक्त 2:07 हो चुके हैं और अरसलान भट्ट साहब को हम लोगों ने घर उतार दिया है, क्योंकि वो थक चुके थे बहुत ज़्यादा, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सहरी के लिए, कुछ बाहर से लेने के लिए। एक बात आपसे शेयर करने जाए, आप लोग ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ये प्लीज बताइएगा कि आप लोग, तुम लोग तो पागल ही हो यार, तुम लोगों ने अभी खाना खाया और फिर चले गए सहरी? नहीं नहीं, अभी ये भी क्लियर कर दूं, ये अभी खाना नहीं है, ये खाना तकरीबन 3:30-4 के करीब खाया जाएगा। हम लोग शायद ना खाए, क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों ने काफ़ी दबा के वहाँ से जो आइटम्स आप लोगों ने देखी हैं वो खाई हैं। तो ये फैमिली के लिए भी हम सहरी का सामान लेने जा रहे हैं, हमारे लिए नहीं है यार, मिठू क्लियर करना है, क्लियर करना, हमारे लिए नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग डे बाय डे आइंदा आने वाली वीडियोस में अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कुछ ईद पे आपको इस साथ कुछ एक्टिविटीज भी शेयर करें। बिल्कुल, ईद पर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो जी ईद पर तकरीबन यहाँ पर ना 7 छुट्टियाँ हैं, तो देखेंगे इस ईद पर क्या करना है, क्योंकि 7 छुट्टियों में अब घर पे तो नहीं बैठना, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। सबसे पहले तो ये कंफर्म होगा ना कि जी ईद कब की है, संडे की या मंडे की। तो जैसे ही जो भी ईद की अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भी आप सबसे हम लोग इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सबको एडवांस में जुम्मा मुबारक।